नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सफर ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आप मुंबई में आके एक्टिंग कहाँ से सीखें। दोस्तों, बहुत सारे एक्टर्स लोग जो हैं मुंबई में आ रहे हैं रिसेंटली, तो ज़्यादातर उनको एक जरिया मिला हुआ है यूट्यूब। यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारे ऐसे अकेडमीज वगैरह, उनके चैनल्स भी हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपको भी पता है नाम लेना सही नहीं होगा, तो मैं भी कभी फॉलो करता हूँ, देखता हूँ उनको। तो दोस्तों, बहुत सारे लड़के जो आ रहे हैं मुंबई में अभी फिलहाल, तो क्या करते हैं वो डायरेक्ट उनसे ही कॉन्टेक्ट करके चल रहे हैं और डायरेक्ट वहाँ पे आके वो ज्वाइन कर अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। जिसकी मैंने बहुत सारे थिएटर्स और इंस्टीट्यूट में गया मैं डेमो के लिए, डेमो क्लासेस होता है। जो आप लोग नए आते हो मुंबई में ज़्यादातर, तो आप लोग क्या करते हो डायरेक्ट वहाँ पे ऑफिस में जाते हो, बात करते हो और फीस पे करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाते हो। आपको पता भी नहीं होता यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है, क्या तरीका है, क्या रूल्स है और क्या कंडीशन है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। मैं उसके बारे में बात करूंगा, आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मुंबई आ रहे हो एक्टिंग के लिए आ रहे हो, पहले आपको सबसे पहले मुंबई को जानना बहुत जरूरी है। जो नए इस लाइन में जो नए आते हैं, थोड़े बहुत जो पैसे लेके आते हैं स्टार्टिंग में, तो उनको पता नहीं चलता कहाँ पे क्या खर्च करना है। वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं और उनके पास पैसे ज़्यादा बचते नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मुंबई को जानिए। बहुत सारे लड़के आके डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं या फिर थिएटर क्लासेस भी। मैंने बहुत सारे डेमो करके आ रहा हूँ, मैंने कुछ दिनों में बहुत सारे डेमो अटेंड किए। तो दोस्तों, वहां पे मैं गया, थिएटर तक में भी आपको 2 से 1.5 लाख तक का फीस बताया जाता है, ठीक है। तो वही होता है दोस्तों, आप यूट्यूब वगैरह में आप वीडियोस देखते हो, देखने के बाद डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट करके और आके आप अचानक सा उनकी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो। और ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट आपका ये होता है, आपका जो भी पैसा होता है उसी में लग जाता है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और आप ये सोचते हो कि चलो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम मिल जाए और मैं काम कर लूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। फ्रेशर को यहाँ पे कोई भी काम नहीं मिलता, या फिर स्पोर्ट बॉय का, कुछ भी इस तरीके से आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर लूंगा, असिस्टेंट का कुछ भी काम कर लूंगा, तो फिल्म इंडस्ट्री में एज अ फ्रेशर को आप अचानक आके कल काम करने लग जाएंगे, तो ये गलतफहमी निकाल के फेंक दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर 1-2 महीना आप उसी फील्ड में आप जा रहे हो, कोई क्राउड में जाता है, इस तरह का कुछ भी काम कर रहे हो 1-1.5-2 महीना, तो ये शायद इसमें आप कर पाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, कांटेक्ट बनेगी, तब जाके आप काम कर पाएंगे। तो ये होता है दोस्तों, आप अचानक सोच रहे हैं कि मैं जाके फिल्म इंडस्ट्री में कुछ असिस्टेंट का काम कर लूंगा, कैमरामैन का, कुछ हेल्पर, इस तरह के काम मिल जाएगा मुझे, तो ये दोस्तों आपकी गलतफहमी है। बहुत लोगों ने इस तरीके की बात कही जो कि एक बनावटी बातें हैं, बहुत लोग इस तरह की बोलते हैं। तो मेरा मतलब यही है दोस्तों, फर्स्ट मुंबई में आ रहे हैं तो एक्टिंग कहाँ पर सीखे, और तो आपका सबसे सस्ता और सबसे अच्छा हो जाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने बहुत सारे डेमो क्लासेस अटेंड किए, 5-6 जगह पे गया, कहीं कहीं पे फीसेस बता रहे हैं कि 5,000 है, 10,000 है, इस तरह की फीसेस बता रहे हैं महीने का। तो और वो भी रेगुलर क्लासेस नहीं है, वीकली में 3 दिन का क्लासेस है, 2 घंटा 1.5 घंटा करके, तो इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमें चाहिए कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस चाहिए, जो कि ये लोग प्रोवाइड नहीं करते, और पैसे फीसेस बहुत ही ज्यादा लेते हैं, करीब कहीं 1.5 लाख कहीं 2 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आपको दिखाने के लिए डेमो क्लासेस हमने लिए, जो हमारा एक्सपीरियंस था, तो उनका कहना यह है कि देखो हमारे क्लासेस में इस तरह का स्टूडेंट है, और सच में आपको यकीन नहीं होगा ऐसे ऐसे स्टूडेंट को एक्टिंग करने के लिए बोलते हैं, डेमो टाइप दिखाने के लिए बोलते हैं, जो नए फ्रेशर आते हैं उनको दिखाने के लिए, और बोलते हैं कि ये 1 महीना का आया हुआ है, 2 महीना का आया हुआ है, 15 दिन का आया, देखिए इसका एक्टिंग क्या है। और मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे उनकी एक्टिंग को देख के, इतनी नेचुरल बनती होता है। तो वो जो बोलते हैं 10 दिन हुआ इसका ज्वाइन किया हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, एक तरफ का मतलब छलावा होता है, एक बहलाने फुसलाने का काम होता है कि आप ज्वाइन कर। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो एक डेमो के लिए उनको रखा होता है वो स्टूडेंट लोग को, वो काफी सालों से वहां पे है और उनका यही काम है, की जैसा यूज करते हैं, करीब 1-2 सालों से वो वैसा ही करके आ रहे हैं, और लोग उसी लालच में ज्वाइन भी कर ले, चलो यार क्या बात है। तो ये होता है और मैंने ये देखा भी है। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी क्लासेस मैंने देखा
जहाँ की 2500 फीसेस है, और वो बंदे पार्क पार्क में जो है थिएटर टाइप बहुत सारे बंदे आते हैं वहां पे, मैंने देखा, तो मुझे वो जेन्युइन काफी अच्छा लगा, मुझे बहुत ही लेकिन सभी लोग वैसे जगह पे पहुंच नहीं पाते, काफी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, यहाँ वहां चले जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। और वहां भी मैंने देखा कोई इंस्टीट्यूट से आया कोई का इतना लाख रुपया वेस्ट करके आया तो वहां पे सीख रहे। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस था काफी अच्छा था जो डेमो क्लास मैंने लिया, तो मेरा सजेशन यही है कि फर्स्ट अगर मुंबई में आओ तो आप फर्स्ट आप जाकर ज्वाइन मत कर लो, ऐसा कुछ मत सोचो। आप मुंबई में आ रहे हो तो आपका बजट होना चाहिए, मैक्सिमम बजट आप 30 से 40 तो लेके ही अपने पास। अगर 5-6 महीना आपको मुंबई में रहना है, 2-2.5 हजार में यहाँ पे रूम भी मिल जाता है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो इतने पैसे तो आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप अचानक उठ के आ रहे हो तो होता है ना अपने खाने पीने का जो होता है, खाने आप कितने दिन सर्वाइव, 10 दिन या 20 दिन करोगे, उसके बाद आपको बैग जाना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता, जो भी आपको आप वीडियो वीडियोस में बहुत सारे देखते हैं क्लासेस वगैरह का, आइए यहाँ पे काम मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कहीं भी जाएंगे तो हर तरीके का आपको बात सुनने को मिलेगी, और बातें ऐसी होती है कि सुनने के बाद आपको खुद खुद भी मतलब खुद पे यकीन नहीं होगा लेकिन उन पे ज्यादा यकीन होगा। तो बातों पे मत जाइए, खुद 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 पे देखिए, खुद पे भरोसा रखिए। और मेरा सजेशन यही है कि आप मुंबई में आइए, 1 महीना रुकिए, कुछ दिन सर्वाइव कीजिए, सब घूमिए, देखिए, जानिए, फिर जाके वो कीजिए। इससे आपका हेल्प ये होगा कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस जो होगा वो आपको सुनने को मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि ज़्यादातर एक दूसरे से सीखने को मिल जाता है। बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, कोई ऑडिशन ग्रुप में ऐड हो जाइए, कहीं बहुत सारे ऑडिशन कंटिन्यू डेली चलते रहते हैं, तो वहां पे जाइए, कुछ दिन जाइए सीखने के लिए, देखने के लिए। 10-20 दिन ऐसे जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर लोग भी आते हैं जो कि कोई काम किया होता है किसी फिल्म में किसी सीरियल में, तो इस तरह के बंदे भी मिलते हैं आपको, तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत तो हो ही जाती है और आपसे आपका पहचान भी हो जाता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप इस तरह की कुछ भी आपके पास बजट नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पे सब तरीके से कहाँ से किस तरीके से पैसे निकलवाया जाए, और इस फील्ड में हर कोई पैसे मतलब कमाना चाहता है, तो इससे बच के रहिए। और इस टॉपिक पे मैं बहुत सारा वीडियो बनाना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ। और मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं इतनी वीडियो को लंबी खींच नहीं सकता और बहुत सारी बातें बता नहीं सकता, तो मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, का अभी 7-7.5 मिनट हो गया, तो ओके।